नमस्कार, आप दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। देश भर में 2 रूपए प्रति लीटर सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत अब 94.72 रूपए प्रति लीटर हुआ। डीजल के दाम घटकर 87.62 रूपए प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल 104.21 रूपए हुआ, कोलकाता में 103.94 रूपए और चेन्नई में 100.75 रूपए प्रति लीटर हुआ। ममता बनर्जी के माथे पर लगी गंभीर चोट, उन्हें तुरंत सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। इलाज के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। पार्टी ने बनर्जी के माथे से खून बहने की तस्वीरों को भी पोस्ट किया। ममता के भाई कार्तिक बनर्जी ने एक बंगला समाचार चैनल को बताया कि वह घर के अंदर गिर गई। हालांकि ममता ने कहा कि उन्हें पीछे से धक्का मारा गया, जिसकी वजह से वह गिर गई और शोकेस से उनका सिर टकरा गया। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद SBI से मिले चुनावी बॉन्ड का डेटा वेबसाइट पर किया अपलोड। भाजपा को मिला सबसे ज्यादा 6060 करोड़ का चंदा। तृणमूल कांग्रेस को 1609 करोड़ रुपए का चंदा। कांग्रेस को चुनावी बॉन्ड से मिले 1421 करोड़ रुपए का चंदा। राजनीतिक पार्टियों को सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज PR, इसने 1368 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं। कंपनी के खिलाफ लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 के तहत कई मामले दर्ज। ईडी ने भी कसा था शिकंजा। चुनावी बॉन्ड का विवरण जारी करने के बाद कांग्रेस का दावा, दाता और प्राप्तकर्ता फाइल में प्रविष्टियों की संख्या में विसंगति। बिहार में आज दोपहर 3 बजे हो सकता है नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार। जदयू कोटे से सभी पुराने मंत्री होंगे मंत्रिमंडल में शामिल। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का ऐलान, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस हाजीपुर से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। पार्टी ने भाजपा को दी जानकारी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा पर पॉक्सो कानून के तहत मुकदमा हुआ दर्ज। 17 वर्षीय एक लड़की की मां की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला। नई यूनिकॉर्न कंपनियों से भारतीय अर्थव्यवस्था में $1,00,000,000 जुड़ने की संभावना। मिलेगा 5 करोड़ लोगों को रोजगार, CII रिपोर्ट में जताया अनुमान। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।